कालचिनी खण्ड अन्तर्गत पश्चिम बंगाल चाई मजदुर समिति अनि पश्चिम बंगाल खेत मजदुर समितिको एउटा टोलीले आसामको चिया कमानको भ्रमण गरेका छन्। पश्चिम बंगाल राज्यभरिका चिया मजदुरहरूको न्यूनतम दैनिक हाजिरा आसामको चिया मजदुरहरूको न्यूनतम दैनिक हाजिरा भन्दा अधिक छ भन्ने भ्रमलाई स्पष्ट गर्नका निम्ति उक्त टोलीहरूले आसामको चिया कमान भ्रमण गरेको बताएका छन्। पश्चिम बंगालका चिया मजदुरहरूको समस्या जस्तो छ कि आसामका चिया मजदुरहरूको पनि समस्या त्यही अनुरूप वा आसामको चिया मजदुरहरूको स्थिति राम्रो छ भन्ने विषयलाई जान्न वा उजागर गर्ने उद्देश्यले पश्चिम बंगाल चाय मजदुर समिति अनि पश्चिम बंगाल खेत मजदुर समितिको प्रतिनिधिहरूको एउटा टोलीले आसामको निगनी जान सताई डिभिजन जोरहाट चिया कमानमा पुगेका छन्। चार दिवसीय भ्रमणमा प्रतिनिधिहरूले आसामको विभिन्न चिया कमानमा गएर त्यहाँका चिया श्रमिकहरूसित दैनिक हाजिरा विषयमा जानकारी लिएका छन्। विभिन्न चिया कमानको भ्रमण अवधि त्यस ठाउँका मजदुरहरूले बताए कि आसाममा चिया मजदुरहरूको दैनिक हाजिरा 350 रुपियाँ रहेको कुरालाई अफवाह बताएका छन्। त्यहाँ पनि मजदुरहरू पश्चिम बंगालमा जस्तै विभिन्न समस्याहरूद्वारा ग्रसित रहेको बताएका छन्। नेता साहब है वहाँ पर बोलता है कि हम आसाम में 200-350 रुपए हाजिरा कर दिया है। उनको बुला दीजिए ना आसाम में, उनको बुलाइए ना आसाम में, हमसे बात कर कीजिए कि कौन सा दिन से दिया है 350 रुपया। आसाम में कहीं भी नहीं मिला है। तो बीजेपी गवर्नमेंट जब हम लोग का उधर मतलब एक एक परिवार को मतलब 35 किलो राशन देता है, वो तो बीपीएल तरफ से देता है, मोदी के तरफ से, बगान की तरफ से नहीं देता। बगान के तरफ से जो 35 किलो राशन देता है वो नहीं देता है, नहीं देता है। वो अलग राशन नहीं देता है, नहीं। मतलब एक ही राशन मिलता है जो बीपीएल राशन है, जो 35 किलो राशन वो नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता है। एक लोगों का 5 केजी मिलता है वही मिलता है, वही मिलता है, दूसरा राशन नहीं। उसमें 205 रुपया कसा को 207 रुपया छ, हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईको 232 रुपया छ। 232 जुन चाहिँ भन्नुमा आउँदैछ कि 350 रुपया आसाममा छ भने देखा छैनन् त्यो झुटा कुरा बोलेर फाइदा छैन। 232 रुपया छ, त्यो पनि कति लडाई गर्दा गर्दा 232 रुपया भइरहेछ, भर्खर भइरहेछ, भर्खरै 200। मेरा मुबारक अली, अब क्या है पोस्ट? पोस्ट मतलब मैं चाय संग्राम समिति का मैं सेंट्रल सेक्रेटरी हूँ, और मैं यहाँ के जो चाय बगान के केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के, आसाम का प्राइवेट बगान 10 प्राइवेट बगान का और ATC का 15 बगान का जो केस चल रहा था, वहाँ का जजमेंट भी निकला। जजमेंट में जज ने क्लियरली बोला कि जितने ड्यूज है ड्यूज सबको दे देना चाहिए, पर वहां से ऑर्डर निकलने के बाद भी अभी प्राइवेट बगान में भी पूरा ड्यूज दिया कंप्लीट पे किया नहीं है, और ATC में तो 100% भी उन लोगों ने पे किया नहीं है। हम लोग आप लोगों के साथ, आप लोग आए थे, आप लोगों के साथ गए वहां स्पोर्ट में वेरिफिकेशन करके सारा कुछ देखकर यहां मतलब यही चीज हम लोगों को पता चला कि अभी तक पेमेंट क्लियर हुआ नहीं है, किसी को मिला नहीं है। और आप लोगों को तो पता है कि हमारे यहाँ असम में चाय मजदूरों का वेजेस है डेली वेजेस है 232, और ATC में अभी भी मिल रहा है 205, यही हमारे असम में चल रहा है 200